नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। और मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य। किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते थे जो हमने पहला वीडियो बना के डाला था, जिसमें धान की कटाई करी थी हमने इसी मशीन से। और ये 50 cc की मशीन है, इसमें आधा लीटर तेल पहले से पड़ा हुआ है, कल हमने डाला था लेकिन चालू नहीं किया था मशीन को, और आज आधा लीटर और लेके आए हैं। तो 1 लीटर तेल इसमें हम डाल रहे हैं और देखते हैं आज 1 लीटर तेल में कितनी कटाई हो पाएगी। तो हम गेहूं के खेत में अपने आ चुके हैं। किसान भैया, जो इसका टैंक होता है वो 1 लीटर से पूरा फुल हो गया है, एकदम ऊपर तक भर चुका है। तो आज इसको तेल ख़त्म होने तक हम कटाई करेंगे और देखते हैं कि कितना 1 लीटर से कट जाता है। तो चलिए मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई है। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। जो भी भाई लोग इस मशीन को खरीदना चाहते हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आज पता लग जाएगा कि इस मशीन को इससे काटते बनता है या नहीं बनता है, और कितना कट जाता है, और कितने देर बाद इसको रेस्ट लेना पड़ता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ से हम कटाई शुरू कर रहे हैं अपने खेत की। ये देखिए, ये हमारा खेत दिख रहा है पूरा। यहाँ इस पूरे खेत को हम काटने वाले हैं आज, ये देखिए। तो पहले मशीन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जो पहली लाइन काटनी होती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइन नहीं बनी होती है और छोटे छोटे खरपतवार भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है पहले शुरुआत में एक लाइन काटने में। उसके बाद शायद दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आपको दिखाते रहेंगे अभी। और जहाँ पर थोड़ा बहुत गिरे हुए गेहूँ मिल जाते हैं, फसल जो गिर जाती है, उसको काटने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। किसान भाइयों, इस मशीन को हमने इसीलिए खरीदा था ताकि हम यह देख पाएँ या खुद चलाकर अनुभव कर पाएँ कि एक आम आदमी इसको आसानी से चला सकता है या नहीं चला सकता है, या क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए इस मशीन को हमने खरीदा था और आज हम काट रहे हैं। YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई उसमें ये नहीं दिखाता है कि एक लीटर तेल में या एक घंटे में कितनी कटाई हो जाती है, या फिर एक खेत को काटने में कितना समय लगा। तो हमने सोचा हम इस पर वीडियो बनाएंगे और सभी लोगों को बताएंगे, पूरी हकीकत वीडियो की दिखाएंगे कि काटने में कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा लास्ट तक, बहुत सारी जानकारी आपको आज मिलने वाली है। किसान भाइयों, इस मशीन को हमने फ़ोन के माध्यम से पंजाब से मंगाई थी ये मशीन, और ये 4 स्ट्रोक का इंजन इसमें लगा हुआ है, 50 cc का इंजन है। और ये स्प्रेमैन जो एक कंपनी है वहाँ से हमने मंगवाया था। तो ये देखिए मशीन से हम काट रहे हैं। और शुरुआत में जो शुरू की किनारे की लाइनें होती हैं, इनको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब ये देखिए, जैसे बीच में जब एक लाइन कट जाती है, उसके बाद काटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। और देखिए, हमने बहुत सारा खेत काट दिया है, और अभी हम अब इसका चेक करते हैं, इसको रोक कर चेक करते हैं कि इसमें तेल कितना बचा हुआ है। तो ये देखिए, ये खेत हमने इतना काट लिया है, दूर दूर तक हमने खेत की कटाई कर दी है, और अब मशीन को चेक करते हैं कि इसमें तेल कितना है। तो ये देखिए, इसमें तेल अभी ज़्यादा तो नहीं ख़त्म हुआ है, ये देखिए अभी इतना आधे से ज़्यादा जो इसकी टंकी है वो आधे से ज़्यादा दिख रही है, यानी कि आधा लीटर से ज़्यादा तेल अभी इसमें हमको दिख रहा है, और हमने इतना खेत काट लिया है। तो चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, कितना तेल में कितना खेत कट जाता है, ये भी अभी लास्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत सारा हमने खेत काट लिया है और ये लास्ट के 1-2 कूड़ बचे हुए हैं हमको काटने के लिए। लगभग लगभग पूरा खेत काट दिया है। तो दोस्तों, ये देखिए, पूरा खेत हमने ख़त्म कर लिया है और हमें इसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम जो है फेस करने को नहीं मिली, कोई दिक्कत हमको इस काटने में नहीं आई है। गेहूँ काटते बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 1-2 बार चलाएँगे तो और अच्छे से चलाना आ जाएगा। हमने भी ये पहली बार ही गेहूं की कटाई से करी है, बहुत अच्छा बनता है काटते हुए। और अगर बात करें धान की कटाई की, तो हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर बात करें इसके तेल की, तो 1 लीटर तेल में अभी 200 से 250 ग्राम तेल इसमें बचा हुआ है, और लगभग 1100 वर्ग मीटर एरिया हमने काट लिया है। तो यानी कि लगभग 1 एकड़ से जो आपको खेत है
वो आप 1 लीटर तेल से आसानी से काट सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दूसरे किसान भाइयों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुँच सके।